या हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से रामेश्वरम के लिए। मदुरई से रामेश्वरम की 3 ट्रेन चलती हैं डेली, 6 o'clock, 12 o'clock एंड देन अगेन 6 o'clock। वी आर ट्राइंग टू बोर्ड द 6 o'clock ट्रेन बट हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, 5:40 हो गए। सो हम लोगों की हालत बहुत ख़राब हो रही थी क्योंकि रात भर हमने ऑफिस किया था और बिल्कुल नहीं सोए हैं, इसीलिए मेरी ऐसी शक्ल आपको दिख रही है। और हम लोग अर्ली मॉर्निंग की हमारी ट्रेन थी तो हम जल्दी से आए और हम बहुत लेट सो चुके थे, हमें ऑटो नहीं मिल रहा था तो हम जल्दी से ऑटो लेके फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन पे। सो 70 rupees की टिकट है पर पर्सन आई गेस, तो 210 की आई थिंक हमने टिकट्स ली थी एंड वी वेटेड फॉर सम टाइम। ट्रेन ऑलरेडी हमारी खड़ी थी और उसमें हमने बैठ के थोड़ी देर वेट किया। The most useless thing. लोग ऐसे ही घुस रहे हैं, ये कैसी चेकिंग हो रही है। सो ये ट्रेन जर्नी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि हमारी पूरी ट्रिप इस बेसिकली इस जो जगह है ना इसके लिए ही हमने बनाई थी, रामेश्वरम के लिए। और हम लोग पंबन ब्रिज के ऊपर से जाने वाले हैं, ये बहुत एक्साइटिंग पार्ट होने वाला है। और आप देख सकते हो ट्रेन, और हम बहुत नींद आ रही थी, मतलब सुबह सुबह की जो ट्रेन होती है ना, और अगर आप रात भर नहीं सोए तो बहुत नींद आती है। बट बहुत लंबा मतलब बहुत लंबी जर्नी नहीं है, छोटा सा रास्ता है और बहुत सुंदर लगता है। साउथ के जो पूरा रास्ता है ना बहुत ग्रीनरी है तो काफ़ी सुंदर है। गाइस यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं पंबन ब्रिज, उसके लिए हम लोग रामनगर से हम फिर तीर्थ आए पंबन ब्रिज को देखने के लिए। सो पंबन ब्रिज बेसिकली लास्ट इंडिया का जो हमारा शोर है उसको ज्वाइन करता है रामेश्वर से, रामेश्वरम से, उसके बाद में आपका श्रीलंका शुरू हो जाता है। उसके बीच का ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है और उसके ऊपर से ट्रेन भी जाती है। Ceiling is different and this is different. Ceiling is different, na? No, it is by road. Yeah, it is by road for vehicle, not for train. Yeah, right. सो पंबन ब्रिज इज़ अबाउट टू कम और हम लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, पानी के ऊपर से हमारी ट्रेन जाने वाली थी, ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट होने वाला था। और आई रियली विश इस टाइम पर, मतलब ऐसा लग रहा था कि काश ड्रोन कैमरा होता और हम वो ऊपर से ट्रेन को ले पाते कि पानी के ऊपर कैसी लग रही है। सो बेसिकली आपकी ट्रेन एक जगह से जाती है और दूसरी साइड से आपके एक ब्रिज भी जा रहा होता है, तो आप जो बसेस होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, वो उसके ऊपर से जा रही होती हैं, तो आप उधर से भी जा सकते हो उस रूट को लेकर भी अगर आपको अपनी कार से जाना है तो। बट आई रियली प्रेफर दिस रूट ट्रेन वाली, ट्रेन में बहुत अच्छा लगता है ये जर्नी करना और बहुत सुंदर है। और जो आपकी स्पीड होती है ना ट्रेन की वो काफ़ी स्लो होती है, मुझे मतलब ये लगा था कि मैं कैसे बाहर को खड़ी होंगी, वीडियो कैसे बनेगी, बहुत टेंशन हो रही थी। बट स्पीड काफ़ी स्लो होती है, यू कैन सी, मैंने मतलब इसको बिल्कुल स्लो नहीं कर रखा, दिस इज़ द एग्जैक्ट स्पीड जिसमें ये ट्रेन चलती है। बहुत लंबा सफ़र नहीं है पंबन ब्रिज का, छोटा सा रास्ता है और बहुत स्लो चलता है इसलिए थोड़ा लंबा आपको लगेगा, बट बहुत सुंदर है। सो नाउ आई विल जस्ट कीप क्वाइट एंड लेट यू इन्जॉय द व्यू।
सो फाइनली वी रीच रामेश्वरम, और रामेश्वरम जाते जाते मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि मैंने मॉर्निंग से ज़्यादा कुछ खाया नहीं था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी. सो आई स्टार्टेड वॉमिटिंग गर्मी की वजह से. तो हमने जल्दी से होटल लिया, और अच्छा होटल था ये सनराइज़ व्यू, एसी की वजह से हमने लिया था बिकॉज़ आई रियली नीडेड एसी. और उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी इसीलिए हमने पूरे दिन रेस्ट किया एंड हमने उस दिन दर्शन नहीं किए. नेक्स्ट डे हमने दर्शन किए थे, तो जो दर्शन का व्लॉग है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाली हूँ. तब तक के लिए आप अम्बन ब्रिज की वीडियोस को एंजॉय कीजिए. हम आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ में. राधे राधे.